उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब तबका है, जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम ना अधिक से अधिक ना कम से कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी के लोग जो करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं, इसलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका असर जरूर पड़ेगा। सप्ताह में दो बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है, इससे न केवल अनाज वरन ईंधन तेल कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है? कीड़े पंछी बंदर और बोरियां ठीक ना होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमन, यह अपराध कबूतरों बंदरों कीड़ों आदि का नहीं है, यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा है। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागें तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सख्त कोशिश करनी चाहिए, उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान बच्चा और युवक कर सकता है। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। जनता को समझा देना हमारा काम है। अगर हमने अपने इस काम को पूरा कर दिया तो बहुत सा अन्न बच सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे। यह बच सकता है, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक सिद्ध हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था, लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में ना रहे
तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। क्योंकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहां की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाले गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है, केवल अपने देश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपने मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सकें। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं, हमने इस बात की सुरक्षा संविधान में दी है और हम यह आशा करते हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद होते हुए भी राजनीतिक मतभेद का आदर होना चाहिए। मतभेद होते हुए भी शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए।